बच्चा फैटी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? रीचेकिंग रिवॉल्यूशन के रिजल्ट को लेकर अभी भी आप लोग बहुत वेट कर रहे हो, और रिजल्ट अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं आया है। तो बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट आ भी गया है, तो जिनका नहीं आया है वो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर। तो उनको मैं यही बोलूंगी कि अभी आपका रिजल्ट अगर नहीं आया बच्चे, तो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? अगर आप बोर्ड भी जाते हो, वहां पर भी पूछते हो ना, तो वो लोग यही बोलते हैं कि अभी आपकी चेकिंग जो है वो चल रही है। तो अगर चेकिंग प्रोसेस में है तो रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा आने में, तो इसलिए थोड़ा सा और वेट कर लो। जब हमने इतना वेट किया है तो थोड़ा सा वेट करने में कुछ नहीं जाएगा, है ना? वो मुझे बताया है कि प्रोसेस जो है एडमिशन वगैरह की सारी रुकी हुई हैं, उन प्रोसेस के लिए आप जो है रीचेकिंग रिवॉल्यूशन पर डिपेंड हो, बट इसमें अभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। वेट करने के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी बच्चे कमेंट करते हैं, मैम हमारा रिजल्ट नहीं आया, और दूसरे बोर्ड के बच्चे भी, एक छत्तीसगढ़ के बोर्ड के बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, और एक ऐसे ही सेम मुझे आरबीएससी वाले ने बच्चे मैसेज किया था। तो आप लोग अपनी साइट पर भी चेक करते रहें, और एचबीएससी वालों को मैं बोलूंगी कि आप भी अपनी साइट पर चेक करते रहें कि रिजल्ट आया है नहीं आया है। जो भी अपडेट होगी वो आपको वहां पर पता लगती रहेगी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना रोल नंबर डाल के चेक करते रहें कि आया या नहीं आया। ओके, तो साइट से ज़्यादा भरोसेमंद कोई चीज़ नहीं होती है, तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भरोसा रखें, और थोड़ा थोड़ा सा बस पेशेंस रखें। इतना रखा है पेशेंस, मुझे पता है परेशान हो गए हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और रखो। इसी मंथ के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जो है आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, रिजल्ट आप सबका आ जाएगा।